Hello everyone, today we are near the Nagatacho station and today we are going to see few things. So aaj hum Nagatacho area mein Nagatacho station ke paas, ye Nagatacho station ka ye station hai, iske niche station hai, underground station hai, upar mein ye buildings badi badi bani hui hai aur kuch cheeze hai yahan pe, actually bahut sari cheeze hai kyunki yahan pe ye टोक्यो के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे जो जापान गवर्नमेंट की असेंबली है, पार्लियामेंट जिसे बोलते हैं, वो सारी चीज़ें इस एरिया में हैं. तो ये उस हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है नागाटाचो. द स्ट्रीट्स लुकिंग ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ द ऑटम कलर्स. ऑटम कलर के कारण जो पेड़ जो है वो बहुत अच्छे कलर में आ गया. तो दे आर लुकिंग ब्यूटीफुल. You can see the whole road from there. ऐसे पेड़ लगे हुए हैं टोक्यो के मेन रोड जो है उनके आसपास. ये छोटा सा तालाब महल को घेरता है. यहाँ पे एक दूसरा महल है राजा का और हमने देखा था इम्पीरियल पैलेस जो कि मेन महल है जिसमें राजा रहते हैं, खुद अभी भी रहते हैं. एक दूसरा पैलेस है उसके बगल में ही. ये नागाटाचो उस पैलेस से भी ज़्यादा दूर नहीं है, बट यहाँ पे एक दूसरा पैलेस है जिसे दूसरे पैलेस को बनाया गया था. जनरली इसमें जो गेस्ट होते हैं, इस देश के जो गेस्ट आते हैं वो इस पैलेस में रुकते हैं. एक दूसरा पैलेस है जिसका नाम है अकासाका पैलेस और ये राजा का ही पैलेस है. इसे राजकुमार के लिए बनाया गया था 100 साल पहले लगभग. तो ये उसके चारों ओर ये पानी जो होती है, मोत जिसे बोलते हैं, जो बचाव के लिए होती है, वो पानी है. ये हमारे बाएं साइड में जो पेड़ और जो दीवार लग रही है वो अकासाका पैलेस है. So the wall and the trees that you are seeing on the left side are the walls of Akasaka Palace. And there is one main road. It's closed outside the palace. So we are walking on that road. Season के कारण ये road जो है टोक्यो के सड़कें बहुत अच्छे दिख रहे हैं. तो ये था शॉर्ट वॉक ऑफ नागाटाचो एरिया. और भी चीज़ें कंटिन्यू करते हैं हम आगे. जापानी स्टाइल का एक ये गेट है. तो दिस इज वन ऑफ द गेट्स ऑफ द अकासाका पैलेस. ये पत्ते हरे से पीले हो गए और पीले से फिर ये भूरे कलर के, एंड देन आफ्टर दैट दे फॉल डाउन नीचे. तो ये पत्तों का साइकिल यहाँ पे चलता हुआ. द लीव्स टर्निंग येलो फ्रॉम ग्रीन एंड देन टू ब्राउन एंड देन फाइनली दे फॉल डाउन. सो दिस इज अनदर side of Akasaka Palace. You have a small park outside the Akasaka Palace and then you have the Akasaka Palace behind these bars, iron bars and the gate. So ye Akasaka Palace ke bahar mein ek chhota sa park hai, ek normal park. Aur अकासाका पैलेस इस गेट के पीछे है. यदि आप पास जाएंगे तो आपको थोड़ा सा अंदर का दिखेगा कुछ. सो बंद है ये
इसमें विज़िट करने के लिए कुछ प्रोसेस है जो करना है, नहीं तो आप बाहर से तो देख ही सकते हैं पैलेस, अंदर भी आप देखें तो। खूबसूरत सा ये अंदर में ग्राउंड है, और ये है मेन गेट, वन ऑफ द मेन गेट्स ऑफ आगासाका पैलेस। और उसके बिल्कुल अंदर आपको पैलेस दिखेगा। तो ये था जापान का दूसरा महल, दूसरा पैलेस, आकासाका पैलेस इन टोक्यो, जो कि जो मेन इम्पीरियल पैलेस है उससे इससे भी पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, अराउंड 1 किलोमीटर के रेंज में आपको दूसरा पैलेस जो है मेन पैलेस, इम्पीरियल पैलेस ऑफ जापान, वो मिल जाएगा। बहुत खूबसूरत हो चुका है ये रोड, ये एरिया, पत्तों ने अपना कमाल दिखा दिया है, नीचे भी ये फैले हुए हैं, बड़ा अच्छा कलर, अच्छा लुक दे रहे हैं पैलेस के। आप अंदर नहीं जा सकते तो क्या आप यहीं पे आके बैठिए। तब भी आपको मज़ा आएगा, और पैलेस आप इस लोहे के अंदर से झांक सकते हैं। कुछ प्रोसेस है आपको अंदर जाने के लिए, जनरली होते हैं पार्लियामेंट में या किसी चीज़ों में, आपको यदि जाना है तो आपको एक फॉर्म भरना होता है, फिर एक गाइड जैसा कुछ होता है, फिर आप अंदर जा सकते हैं। सो दिस वाज आवर आकासाका पैलेस ऑफ टोक्यो ऑफ जापान, अ ब्यूटीफुल वेस्टर्न एंड जापानीज स्टाइल बिल्डिंग इनसाइड, व्हिच इज करंटली होस्टिंग द नेशनल गेस्ट ऑफ दिस कंट्री। तो ये था आकासाका पैलेस जापान का, जो कि अभी आजकल अभी के समय में ये जापान के जो नेशनल गेस्ट हैं उनको होस्ट करता है। जब भी कोई गेस्ट आते हैं, US प्रेसिडेंट आए थे उस समय भी यूज़ किया गया था पिछले साल, तो उस समय ये यूज़ में आता है। और जनरली आप अंदर जा सकते हैं, आपको पैसे चुकाने होते हैं, डिफरेंट टाइप के पैकेजेज हैं वो आपको नेट पे मिल जाएंगे, अवेलेबल है वो, और किसी में आप गाइड के साथ जा सकते हैं, किसी में आप बस अंदर थोड़ा सा जा सकते हैं गार्डन का बिना रजिस्ट्रेशन के। तो डिपेंड करता है आप कहाँ किस एरिया में जाना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत बिल्कुल बड़ा है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, अराउंड 3-4 डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग्स, एंड वन द मेन वन इज़ ऑफकोर्स दिस पैलेस, जो महल आपको सामने अंदर दिख रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर फ्यू अदर जापानीज स्टाइल बिल्डिंग्स विच वॉज मेड टू जस्ट कम्प्लीमेंट दिस पैलेस। तो ये था वीडियो आकासाका पैलेस का, फिर मिलते हैं एंड बात करते हैं किसी और चीज़ की। सो इट्स अ वेरी क्लोज एंड अ गुड प्लेस टू विजिट इफ यू कम टू टोक्यो, कम अराउंड दिस एरिया। यू हैव ऑल्सो द कैफे राइट देयर, बाहर में भी आप बैठ सकते हैं, छोटा सा पार्क भी है बाहर में, और जब कोई गेस्ट आएंगे तो
थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस वगैरह होते हैं, एंट्रेंस वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू हैव अंडरस्टैंड एंड नो फ्यू मोर थिंग्स अबाउट टोक्यो एंड दी अकासाका पैलेस ऑफ टोक्यो एंड जापान। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। आपको टोक्यो का अकासाका पैलेस और जापान का ये महल के बारे में आपको कुछ समझ आया होगा। फिर मिलते हैं। करते हैं बात। थैंक यू।